नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ हैं एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। फरवरी 2019 में ये घोषणा की गई कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है फिशरीज सेक्टर में, उसको देखते हुए एक अलग से डिपार्टमेंट बनेगा फिशरीज़ का। तब से लेकर अब तक क्या चैलेंजेस और क्या अचीवमेंट्स? देखिए, प्रधानमंत्री ने ये सोच बना लिया था चुनाव के पहले, और पहली बार देश में ये मंत्रालय का गठन हुआ और मुझे वो सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री का सपना और इमोशन है कि किसानों की आय दुगनी हो। कृषि आधारित पशुधन ही दुगना करने का सबसे बड़ा स्रोत है। अब आपको एक आंकड़े से मैं अगर कहूं, आप देखेंगे सबसे ज्यादा देश में लगभग 15 करोड़ के लगभग किसान हैं जिनके नाम पर जमीन है या खेती करते हैं। 8 करोड़ आसपास में लोग हैं जो पशुधन को रखते हैं, और सीरियल क्रॉप में बड़ा पॉपुलर क्रॉप है धान यानी चावल और गेहूं, जो मुख्य भोजन का पार्ट है। चावल और गेहूं को मिला ले तो 2016-17 के आंकड़े, अभी 2 साल पीछे आगे और बढ़ गया, तो लगभग 4 लाख करोड़ के इर्द गिर्द चावल और गेहूं का कीमत बना, जो उपज हुआ। केवल दूध को देखें तो 6 लाख करोड़ का। ये दर्शाता है कृषि आधारित पशुधन ही देश में किसानों की आमदनी दुगनी कर सकता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस मंत्रालय को बनाया। अब एक्सपोर्ट का तो दुनिया जानता कि इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट होता, एमएसएमई का होता, टेक्सटाइल का होता, कई तरह के कॉटेज, कई तरह के, लेकिन आम लोगों में ये नहीं है कि फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री भी एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी हम 75,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ही। उसमें मछली है लगभग 47,000 लेटेस्ट, उससे और वैल्यू एडेड प्रोग्राम, और बोबाइन मीट है। हमारे ऑप्शन खुले हुए हैं, इतने ऑप्शन हैं, पिग पोर्क में, लैम्ब में, पोल्ट्री में, गॉटरी में, फिशरी तो है ही, यानी अपार संभावना है। पोल्ट्री में 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का ये इंडस्ट्री है, लगभग इसी रेंज का फिशरी है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने इन्हीं संभावनाओं को देख करके अलग मंत्रालय बनाया है। अब एक एक सेक्टर लेंगे तो 2 मेजर सेक्टर आता, एक डेयरी सेक्टर। डेयरी जब बोलते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री में हेल्थ सेक्टर। अब देखिए प्रधानमंत्री ने कितनी अहमियत दी। पहले कैबिनेट में उन्होंने हेल्थ केयर के लिए, डिजीज के लिए 13,500 करोड़ दिया। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कहता है तुम्हारे जानवर को FMD रोग है, तो प्रधानमंत्री इस चीज को समझ के दिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसमें लगभग 10,000 करोड़ का। अब हम केवल मत्स्य विभाग में, फिशरी में 5 साल में लगभग 25,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा। ये कोई कहानी नहीं कह रहा हूं, 10,000 करोड़ का लगभग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है।
वर्ल्ड बैंक ने के साथ मेरा सैद्धांतिक 10,000 करोड़ का, 7,500 करोड़ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फिशरी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें 3,000 करोड़ को हमने ऑलरेडी सेंक्शन भी कर दिया। हम इस स्कीम के तहत कोई राज्य, कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वो जब आते हैं तो उनको हम इंटरेस्ट सबमिशन करते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन में केवल फिशरी के सेक्टर में 25,000 करोड़ से ऊपर का होगा। निश्चित है देश में किसानों की आय बढ़ेगी। अब डेयरी सेक्टर को ले, फिशरी सेक्टर में अगर आप कहेंगे तो 8,000 किलोमीटर समुद्री तट है, हम उसमें कर रहे हैं हार्बर, छोटी छोटी लैंड सेंटर होता है, लैंडिंग सेंटर वो कर रहे हैं, डीप सी वेसल कर रहे हैं, फिर और कई पोस्ट हार्वेस्टिंग की चिंता कर रहे हैं, ब्रैकिस वाटर के श्रिम्प जो प्राउन है उसका मीठे जल के लिए कर रहे हैं। तो मछली में अपार संभावना है फिशरी डिपार्टमेंट। डेयरी सेक्टर किसानों के रस बस गया है, उस सेक्टर में भी अपार संभावना है। और उस संभावना पर जब हम बात करते हैं तो कई चैनल मुझे गालियां भी देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। जब मैंने कहा कि मेरा क्या दोष था, मोदी जी का क्या दोष था, कि आज तक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है जी, लेकिन हम वैल्यूएट कम करते हैं, पर जानवर दूध का यील्ड कम है, हमारे यहाँ नॉन डिस्क्रिप्ट, डिस्क्रिप्ट, इंडिजनस, एग्जॉटिक, क्रॉस ब्रीड कई तरह के जानवर हैं। तो हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं कि नस्ल सुधार कैसे हो। सर, वही मेरा अगला सवाल है कि संभावनाएं अपार हैं, जैसा कि आपने कहा, अगर हम फिशरी सेक्टर की भी बात करें तो साल 2017-18 में जो ग्रोथ थी तकरीबन 12% के आसपास थी, आगे लगातार प्रधानमंत्री ब्लू इकोनॉमी की बात करते आए हैं, लेकिन एक बड़ी दिक्कत जो है वो इन्वेस्टमेंट और रिसर्च, ये किस तरह से इस सेक्टर में आप देखते हैं आगे? मैं तो आपको बताया, प्रधानमंत्री ने पिछले कार्यकाल में ब्लू रेवोल्यूशन लाया, 3,000 करोड़ हमने उस पर खर्च किया है, रिजल्ट आया। आप देखेंगे हम पिछली सरकार के मुताबिक हम 41% का ग्रोथ, हम जो अगर 13-14 का और 17-18 का डेटा देखेंगे तो हमने बढ़ाया है। अब ये जो 25,000 करोड़ कहा, इसमें क्या होगा, पोस्ट हार्वेस्ट का होगा, हैचरी होगा, ब्रूडर होगा, रेयरिंग होगा, तो हम फिशरी को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। एक तरफ एक्सपोर्ट के चैनल को भी बढ़ाएंगे, दूसरे तरफ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे। लेकिन भारत के अंदर किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। सर, अगर हम फिशरमैन की बात करें, मछुआरों की बात करें, उनके वेलफेयर की बात करें, हालांकि ये सवाल दूसरे मंत्रालय से हो सकता है, बट गवर्नमेंट इज अ कलेक्टिव, जो इलीगल डिटेंशन है मछुआरों का दूसरे दूसरे देशों में, वो कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, उसके लिए तो हम बराबर विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में रहते हैं, और अब हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर के, नेवल के साथ मिलकर के, कि हम मछुआरों में अवेयरनेस कैसे लाएं, नेविगेशन कैसे दें, जिनको उनको पता रहे कि मेरा बाउंड्री कहाँ तक है, बाउंड्री से बाहर ना जाए। हम तो आगे ये भी मेरे प्लान में है कि उनको जो डीप सी वेसल लेकर के जाएं, उनको पता हो कि मछली कहाँ कल मिलेगा, ये भी हम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। सर, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओम और गाय रिग्रेसिव नहीं है,
लगातार कि ओम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, गाय के बारे में अगर हम बात करें तो कोई रिग्रेसिव थॉट को वो नहीं दर्शाता। सरकार की तरफ से एक बयान भी आया था कि जो काउ प्रोटेक्शन है उस पर एक बिल देखने को मिलेगा या कोई एक पॉलिसी देखने को मिलेगी, कब हम देखेंगे और क्या रूपरेखा होगी उस पॉलिसी की? देखिए, पॉलिसी ऑलरेडी है काउ प्रोटेक्शन के लिए, पॉलिसी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड की तहत होता है। हम गाय सड़क पर कौन सी गाय दिखती है? दो तरह के गाय दिखते हैं, जो दूध ना देने वाली हो, जिसकी प्रजनन क्षमता कम खत्म हो जाए, बच्चा ना दे सकता हो, जो मेल हो जाए क्योंकि अब उनके जोत में काम नहीं आते। हमने अभी पॉलिसी, प्रधानमंत्री ने 11 तारीख को एक तरफ बीमारियों का FMD बीमारी, जो फूट एंड माउथ बीमारी है जी, डिजीज, उस डिजीज का उन्होंने उस दिन लॉन्च किया। दूसरी तरफ हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के अब केवल बछिया पैदा होगी सॉर्टेड सेक्स सीमेन के तहत। केवल सब जब कहता हूँ तो 90% 92% होता है। तो जब हमारी गाय, प्रकृति का नियम है कि आधा मेल आधा फीमेल, आदमी हो या जानवर हो, हम थोड़ा उसमें टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, सॉर्टेड सेक्स सीमेन केवल बछिया पैदा होगी। स्वाभाविक है आने वाले दिनों में बेकार पशु मेल नहीं दिखाई देंगे। किसान, अगर हम 1 करोड़ डोज देते हैं तो किसान की ताकत 1.25 लाख करोड़ ताकत बढ़ता है। और मेरा लक्ष्य है एक तरफ सॉर्टेड सेक्स सीमेन को प्रमोट करना, दूसरे तरफ IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ET एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। अब जो गाय 2 लीटर की दूध देने वाली है उसमें अगर हमने 20 लीटर 30 लीटर का एम्ब्रियो डालेंगे तो वो बच्चे 20 और 30 लीटर की ही पैदा होगी। ये लैब में तैयार होगा एम्ब्रियो। तो इसको मैंने फैक्ट्री कहा तो बहुत लोगों को बुरा लग गया, मैं तो आम लोगों को समझाने के लिए कहा ये फैक्ट्री लैब में सॉर्टेड सेक्स सीमेन भी होगा और लैब में एम्ब्रियो भी बनाए जाएंगे, जिसकी रचना हमने कर ली है और शुरू कर दी है। सर, कितने फेजेस में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और उसका क्या असर आप आगे आने वाले समय में देखते हैं? मैंने आपको कहा कि देश के अंदर दुर्भाग्य है कि 70 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शुरू हुआ, कृत्रिम गर्भाधान, लेकिन अभी तक हम केवल 30% पर पहुंचे हैं जो हमारे बोबाइन केटल हैं, दूध देने वाली जानवर हैं। हमने लक्ष्य लिया है 2025 तक 100% करने का, और धीरे धीरे जैसे अभी 19-20 में अगले मार्च तक हम 11-12 लैब को ऑपरेशनल कराएंगे, जिससे 30 से 40 लाख डोजेज होंगे सॉर्टेड सेक्स सीमेन। अभी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, मैं बात भी कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 20-21 में हम 2 करोड़ का लैब एस्टेब्लिश करने में शायद सक्षम हो जाएंगे और धीरे धीरे 25 तक हम सॉर्टेड सेक्स सीमेन की तरफ बढ़ेंगे और IVF ET की तरफ। जब हम ये पढ़ेंगे तो हमारे बुल भी अच्छे निकलेंगे, हमें अच्छे सीमेन भी हमारे होंगे, हम कई लोगों के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर बना रहे हैं। तो हमारे डेयरी सेक्टर में
12 से 15 लाख करोड़ का किसानों की ताकत बढ़ेगी अगर हमने टेक्नोलॉजी को लेकर के एआई को 100% पर ले गए, सॉर्टेड सेक्सीमन हुआ और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, तो ये किसानों की ताकत दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ेगा। सर, हमने डेयरी सेक्टर में देखा कि कई युवा हैं जिनका बहुत इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, डेयरिंग एंटरप्रेन्योरशिप में कई युवा आगे आ रहे हैं डेयरी सेक्टर में। कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स स्कीम्स उनके लिए, उन युवाओं के लिए, ताकि जो डेयरी सेक्टर है वो स्टार्टअप में और आगे बढ़े। हमने स्टार्टअप दिया है, जो युवा आ रहे हैं बड़े पढ़े लिखे युवा रहे हैं, आज उनकी दूध 150 रुपये लीटर बिक रहा है। जो प्रधानमंत्री से गौ पूजन कराए थे, इसी दिल्ली में उनकी दूध 150, उन्हें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए। आज लोग, एक सेक्शन है जो क्वालिटी मिल्क चाहता है, उसको भरो, वो 3600 रुपये किलो घी बेचते, मैं भी आश्चर्य था। और उन्होंने डेटा बता दिया कि ऐसे ऐसे दूध जाता, मेरे पास 750 जानवर हैं, गिर हैं, 250 बिना दूध देने वाली हैं और 500 वो हैं, सस्टेनेबल है, 80 लोगों को रोजगार दे रखा है। तो सस्टेनेबिलिटी आज खुद को खुद तैयार कर ले रहे हैं। वैसे नबार्ड में स्कीम हमारा है, गायों पर सब्सिडी का है स्कीम, लेकिन जो युवक आगे बढ़ के आ रहे हैं वो तो दुनिया जो चाहता है उसके तरफ बढ़ करके और अपनी विश्वसनीयता के साथ इस काम को कर रहे हैं। हम उनका भी, उनके तरफ भी देख रहे हैं। अभी पहली बार हमने स्टार्टअप रखा है कई सेक्टर में, जो आप बेसहारा पशु कहा, उसके लिए भी स्टार्टअप कोई सलूशन लोग दे। आईआईटी दिल्ली नैनो फर्टिलाइजर पर काम कर रहा है, हमने स्टार्टअप में कई तरह का रखा है। फीड का अल्टरनेटिव कैसे होगा, फीड कॉट कैसे होगा, क्लीन मिल्क कैसे होगा, कई चीज़ों पर स्टार्टअप रखा है। उम्मीद है आगे युवा आएंगे और पहली बार इस सेक्टर में स्टार्टअप भी आया है। एनिमल हस्बेंड्री क्षेत्र में सर कितना पोटेंशियल आप देखते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का? देखिए, स्वाभाविक है मेरे सामने कई चुनौतियाँ हैं और मैं इसे ऑन करता हूँ जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। और जो बेसहारा पशु हैं वो जिम्मेदारी है, किसानों की आय को दुगनी तिगनी करना। अभी मैंने एनडीडीबी को, एनडीडीबी ने अमूल को ये काम दिया है, एक गांव को प्रयोग के रूप में देखें कि उसकी आमदनी को कैसे दुगना तिगना किया जा सकता है दूध के अलावे, गोबर और गौमूत्र से, तो उसने कर दिखाया है। अब मैं लोकार्पण नवंबर में संभवतः वहाँ के चीफ मिनिस्टर से कराऊंगा। वो है कि उस गांव में 368 लोग हैं जो जानवर रखते पशुधन, और 93 लोग हैं जिनके पास नहीं है, और 1053 पशु हैं, और 66 लाख रुपया दूध से साल में पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक आ रहा। हमने प्रत्येक घर को बायोगैस के लिए दिया और उसका रिजल्ट आया। पहले एक घर को देखा करके बायो सैलरी 2 रुपये किलो लेना, ये अपने आप में आश्चर्यजनक, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है ऑर्गेनिक खेती के लिए, तो बायो सैलरी लेकर के उसे फर्टिलाइजर की ओर वैल्यूएट करना। लेकिन उससे किसान को मतलब नहीं, 2 रुपये किलो लेने से ही जहाँ 66 लाख दूध से आता था 1,63,00,000 हो गए। अगर मैं गैस का कीमत जोड़ दूँ तो 2 करोड़। अगर तीसरा रिफ्लेक्शन दिखाऊँ कि ये गैस बाहर से भी आता है 50%, तो हम उतने पैसे डॉलर को भी बचाने का काम करेंगे अगर ये देश में हम मास स्केल पर करें तो। तो हम हर तरह का प्रयोग कर रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट कैसे गिरे, किसानों की आमदनी 2 गुना 3 गुना कैसे हो, और बेसहारा पशु दूसरों को सहारा देने लायक कैसे हो। हम तीनों सेक्टर में, डेयरी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। सर, कोऑपरेटिव मूवमेंट जितनी सक्सेस हमने अमूल में देखी, वो दूसरे
देश के भागों में कैसे और बढ़ाया जा सकता है? अभी देखिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं हो रहा है। अभी हम देश के अंदर ही वैल्यू एडिशन पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अभी एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में 20-22% 25 से नीचा है। अगर छोटे छोटे को भी जोड़ लें तो 25 से नीचा है। एक तो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर बढ़ना का कदम बढ़ाए हैं, दूसरा वैल्यू एडिशन कम से कम 30-40 पर एवरेज हो, तो निश्चित रूप से वैल्यू एडिशन जब होगा तो लोगों को भी एक अवसर मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट को यूज करने का, और डेयरी इंडस्ट्री भी उससे लाभान्वित होगा। आखिरी सवाल गिरिराज जी, हम एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी दुविधा है, वो है वेटनरी डॉक्टर्स की कमी की। उसके लिए कोई रोड मैप? हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो कॉलेजेज हैं, और बेटर फैसिलिटी हम देना चाहते हैं, तो नए नए कॉलेज भी खुल रहे हैं, जो हैं हम और डॉक्टर पैदा करेंगे। जो हमारी यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज वेटनरी हैं, वो सक्षम हैं हमारी कमियों को पूरा करने में। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और ये सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। धन्यवाद।